हाँ तो दोस्तों, हम लोग जो है अपने फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। और तुरंत जो है दोस्तों, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोटो को जो है दोस्तों, छोटा फ़ोटो को आप बड़ा कैसे कर सकते हैं और बड़ा साइज़ के फ़ोटो को छोटा कैसे कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटो के साइज़ को दोस्तों आप चेंज जो है कैसे कर सकते हैं, वो भी एक मिनट के अंदर में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ़ोटो का साइज़ जो है वो बड़ा कैसे होता है और किसी भी फ़ोटो का दोस्तों साइज़ छोटा कैसे होता है। दोस्तों, आपका कैमरा अगर 8 मेगापिक्सल से अगर फ़ोटो आप खींचते हैं तो उसमें जो है पिक्सल का कण जो है दोस्तों उसमें कम आते हैं, जिसके कारण से जो है फ़ोटो का साइज़ जो है आपको थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर आप वही 8 मेगापिक्सल के जगह पे अगर आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ अगर आप फ़ोटो को खींचते हैं तो वहाँ पे जो है दोस्तों पिक्सल कण जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें आते हैं, जिसके कारण से दोस्तों फ़ोटो का साइज़ जो है आपका मैक्सिमम हो जाते हैं पिक्सल कण के कारण, और फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी मोबाइल से फ़ोटो को जो है पिक कीजिए, खींचिए, उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी साइज़ का अगर फ़ोटो को अगर आपको जो दोस्तों ज़रूरत है, तो दोस्तों यहाँ पे आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को दोस्तों सबसे पहले एक लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ही जो दोस्तों एक टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं हूँ मंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक ऑफ GGMK। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फोटो एंड पिक्चर। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में आ गया फोटो एंड पिक्चर रिसाइज रिड्यूस जो है ऐप। तो दोस्तों, यहाँ पे इस ऐप का जो है रेटिंग वोटिंग सब बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं 4.4 का जो है रेटिंग दिया हुआ है और यहाँ पे रेटिंग भी सबसे बेस्ट जो है अच्छा क्वालिटी का जो है यहाँ पे ऐप है। और डाउनलोड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिलियन+ जो है डाउनलोड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ऐप का रिव्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्ले स्टोर से आपको जो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका जो है कुछ इंटरफेस आपका इस टाइप से खुल के आ जाता है। खुल के आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप बहुत को जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं सेलेक्ट फ़ोटो का, टेक ए फोटो, रिसाइज फ़ोटो, सेलेक्ट वीडियो। दोस्तों, आप वीडियो के साइज़ को भी इसमें जो इस ऐप के जरिए आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कोई भी वीडियो अगर ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना है तो यहाँ से छोटा करके आप वीडियो को जो है आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने फ़ोटो को जो है साइज़ कैसे काम करते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट फ़ोटो में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे अपने कैमरा में आ जाते हैं। इमेज में आने के बाद दोस्तों आप जो है, मैं रिसेंट फ़ोटो एक ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए मैं इस फ़ोटो को जो है यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ। ये वाले पिक यहाँ से इसको टिक कर देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है हम लोग के यहाँ पे आ चुका है। तो इसको जो है साइज़ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 MB का जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 4 MB का जो है इमेज है। दोस्तों, इसको KB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 KB या 150 KB में आके दोस्तों यहाँ पर रुक जाएगा। तो 4 MB का फ़ोटो को दोस्तों यहाँ पर जो है आप सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा क्रॉप कर लेंगे तो फ़ोटो देखने में थोड़ी जो है वो अच्छा लगता है क्रॉप कर लेने से। वो पासपोर्ट साइज़ का जो है दोस्तों आपको फॉर्म वगैरह में अप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा जो है इसको जो यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे तो देखने में अच्छा दिखेगा। यहाँ पे क्रॉप का जो है दोस्तों कर लेंगे, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर सकते हैं। रिसाइज पे क्लिक कर दीजिए और रिसाइज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 25%, 40%, 50% और 75% आपको जो है दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले दोस्तों साइज 25% 40% पे जो है सेकंड नंबर 40% पे क्लिक कर देते हैं। 40% पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो है आपका रिसाइज जो है आपका हो चुका है। और रिसाइज होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम साइज आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साइज आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे आपका 4 MB के जगह पे जो है फ़ोटो का साइज 177 KB हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है ये आपका 177 KB के यूज़ को फॉर्म को आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं वहाँ पे जो है डायरेक्ट इसको जो है आप अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से जैसे रिसाइज पे आप क्लिक कर देते हो गैलरी में जाके जो है आपका सेव हो जाता है। तो दोस्तों गैलरी में चलिए हम आपको दिखाते हैं उसका साइज़ जो क्या है। तो दोस्तों मिनिमाइज करने के बाद जो है गैलरी में आपका एक अलग फोल्डर बन जाएगा। देखिए फ़ोटो रिसाइजर, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टाइप से जो है आपका फ़ोटो आ गया है। तो फ़ोटो का साइज़ हम आपको ऑप्शन में जाके दिखा देते हैं दोस्तों।
यहाँ पे आप आ जाना है और डिटेल में जैसे आप क्लिक करते हैं तो फोटो का साइज 176 KB आपको दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिटेल में यहाँ देख सकते हैं साइज 176 KB आपका दिख रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से जो है आप अपने फोटो का साइज चेंज करके आप अपने फोटो को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए और लाइक दोस्तों इसमें करीब 100 के अप्रॉक्स जो है दोस्तों लाइक रखा गया है। तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और इस टाइप से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।